हेलो एवरीवन, तो क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म पे और एक वीडियो आ चुकी है। तो इसमें क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ डाउन ट्रेंड के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड आपको डाउन दिख रहा होगा। ठीक है, कभी भी आपको ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। जो रूल्स है ट्रेडिंग का, वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए सेम ही रहेगा। आपको कभी भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है। जैसे कि देखो, ये डाउन ट्रेंड के लिए था, तो मैंने यहाँ पे जो है, जैसे ही मार्केट अप गया, लेवल तक आया, मैंने वहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले ली है 3 मिनट की। ठीक है, 3 to 4 मिनट की आप डाउन के लिए लेंगे, विन हो जाएगी। आप डिफ़ॉल्ट टाइम ट्रेड डाउन के लिए लेंगे, डाउन ट्रेंड में विन हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपोजिट ट्रेड लोगे तो वो लॉस हो जाएगी, चाहे वो लेवल पे हो कैसे भी हो। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँगी कि कैसे। मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट करके भी बताऊँगी, लॉस करके भी बताऊँगी, और फिर से प्रॉफिट करके बताऊँगी। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड्स प्लेस की है। फर्स्ट ट्रेड हमने 3 मिनट की है, तो आप देख सकते हैं कि जो है अभी भी OTC मार्केट चल रही है। OTC मार्केट में ही आपका जो है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये फ़िलहाल अभी सिर्फ मैंने डाउन ट्रेंड पे बनाई है, बहुत जल्दी मैं अप ट्रेंड पे भी बना लूँगी, और बहुत जल्दी बाकी जो ट्रेंड्स है उस पर भी आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, कैसे कहाँ पे आपको फॉलो करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म पे भी बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बिनोमो के बारे में बताई, स्ट्रैटेजीज़ बताई। ठीक है, बहुत से मेंबर्स ने प्रॉफिट किया है, तो आप जो है इसमें भी प्रॉफिट कर सकते हैं। गाइस, कभी भी ट्रेडिंग में अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए, बैकअप मनी हमेशा रखना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, कभी भी अप डाउन हो सकता है, 1% एरर दे सकता है हमें। तो हमें जो है इस पे जो है भरोसा करके हमें अपना कभी कंप्लीट अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। और छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और हमारी जो एज है अबव 18+ होनी चाहिए, 18+ या उससे अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ट्रेड अभी हमारी रनिंग चल रही है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। अभी तक ये विनिंग में ही चल रही है। गाइस, कभी भी ना आपको जो है ट्रेंड, आपको सबसे पहले जब भी आप, और ये विन हो गई है हमारी फर्स्ट ट्रेड। ओके, फर्स्ट ट्रेड हमारी विन हो गई है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि डाउन ट्रेंड की मार्केट में आपको क्यों अप ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है, मैं ट्रेड प्लेस कर रही हूँ। आप देखिए, यहाँ से मार्केट अप जाना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करूँगी तो यहाँ से एक लेवल आएगा जो कि अप के लिए मार्केट को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ लेवल को फॉलो करके मैं ट्रेड प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे अप के लिए। तो आप देखिए इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। क्यों मैंने ये कहा स्टार्टिंग में ही कि डाउन ट्रेंड की मार्केट है, तो वहाँ पे आपको डाउन के लिए ही ट्रेड लेनी है। आपको वहाँ पे फाइंड करना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आपको डाउन के लिए मिलेगी। चाहे अप के लिए आपको कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है अप के लिए। कभी भी आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि ये विनिंग में जा रही है, लेकिन आप देखिए इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। अभी आपका जो है ट्रेडिंग का रूल सभी प्लेटफॉर्म के लिए सेम रहेगा, चाहे ये अप ट्रेंड की हो। अभी मैंने ये अप ट्रेंड के लिए डाउन ट्रेंड के लिए बनाई है, तो डाउन ट्रेंड के लिए जो है मार्केट में हम डाउन ही रहेंगे। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। इसका अगर हम एक लेवल देखें तो वो लेवल भी इसने एक ब्रेक कर दिया है। आप
आपको पता चल जाएगा। देखिए गाइस, इसका जो रिज़ल्ट है वो रहा ज़ीरो, रिटर्न इसका ज़ीरो रहा, यानी यहाँ पे हमारी लॉस हो चुकी है। क्यों मैंने मना किया है कि डाउन ट्रेंड की मार्केट में आपको अप के लिए ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं करनी है, ठीक है। आपको हमेशा, चाहे आपका अप मार्केट हो, अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा हो, आपको उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है। तो यहाँ से आपको लगेगा कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम अभी यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट को थोड़ा सा अप जाने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से डाउन के लिए हमने एक ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि पहले वाली ट्रेड आपने जो है 3 मिनट की प्लेस की थी, सेकंड वाली जो अगेंस्ट प्लेस की जो लॉस हो गई वो आपने डिफ़ॉल्ट टाइम की, लेकिन आपने इसीलिए जो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो मार्केट है डाउन ट्रेंड की है, आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम पे लेवल ड्रॉ करके ले लीजिए, या फिर आप 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स ऐसे ट्रेड ले लीजिए। अगर आपकी जैसे आपने जो है लेवल सही से ड्रॉ किए हैं, मार्केट के आप जो है अगेंस्ट नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो वो विनिंग में जाएगी, ठीक है। और मार्केट में जो है आपका वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, तो वो डेफिनेटली विन हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये लास्ट ट्रेड आपको डिफ़ॉल्ट टाइम की लेके दिखाई है। देखिए कि कैसे ये डिफ़ॉल्ट टाइम की ट्रेड विन हो जाएगी अभी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम की ट्रेड ले रहे हैं, बस ये है कि जहाँ पे आप ज़्यादा मिनट की ट्रेड ले लेते हैं वहाँ पे आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर 1% एरर भी देती है मार्केट, तो लेवल के नीचे आके जो है आपका लेवल सही है, तो वहाँ पे आप विन कर सकते हो। तो ये हमारी विन हो चुकी है, ये भी सेम डिफ़ॉल्ट टाइम की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, सीखा आपने ये कि मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको डाउन ट्रेंड पे ही ट्रेड करनी है, आपको वेट करना है कहाँ पे आपको डाउन की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं पे आपको। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो आपको प्रॉफिट देगी, अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपको लॉस देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप जो है क्यूटेक्स ग्रुप का सिग्नल के लिए पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक के थ्रू अकाउंट बना के ट्रेडर आईडी शेयर करनी है, वेरीफाई होने के बाद उसमें डिपॉजिट करना है और आपको मुझे टेलीग्राम पे शेयर करना है। अगर आप न्यू हैं तो आप लिंक के थ्रू बना सकते हैं अकाउंट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी मैं आपको जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि आपको जो है नॉलेज मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।